काली मौत या काला ताउन का शुमार तारीख के सबसे तबाहकुन वबाई अमराज में होता है, जिसकी वजह से तकरीबन 20 करोड़ लोग लुकमाए अजल बन गए थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काली मौत क्या थी और उसको कैसे रोका गया था। आगे बढ़ने से पहले अमेजिंग पाकिस्तान इन उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काली मौत एक ऐसा वबाई मर्ज था जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। जिसको ये बीमारी लगती थी उसके जिस्म पर काले रंग के फोड़े निकल आते थे, जिससे पीप और खून निकलता था। इसका आगाज सन 1200 में हिमालय के पहाड़ों से हुआ था। ये खौफनाक वबाई मर्ज 1328 से शुरू हुआ और 1351 में खत्म हुआ। इस बीमारी का इल्जाम यहूदियों पर लगाया जाता था कि उनकी वजह से ये फैला है। इस वजह से उनको जान से भी मार दिया जाता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बैक्टीरिया यर्सीना पेस्टिस इस वबा की असल वजह थी। ये बीमारी पिस्सुओं की वजह से फैली थी। पिस्सू क्योंकि चूहों का खून चूसते हैं, इसलिए ये बीमारी चूहों में मुंतकिल हो जाती थी और फिर चूहों की वजह से इंसानी आबादी में ये बीमारी फैल गई। इस वबा के दौरान लोगों ने नहाना छोड़ दिया था, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि नहाने से मसामों के खुलने की वजह से ये बीमारी लग जाती है। जो डॉक्टर मरीजों का इलाज करते थे वो चूंच वाले मास्क पहनते थे और उसमें एक खास खुशबू लगी होती थी ताकि उनको मरीजों से बदबू ना आए। चूहे और बिल्लियां इस बीमारी से मुतासिर होते थे, जबकि कुत्तों को कुछ नहीं होता था। उस वक्त इस बीमारी को काली मौत नहीं कहा जाता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये बीमारी अल्लाह की तरफ से एक सजा है। नोस्ट्राडामुस इस बीमारी का इलाज करने वाला पहला डॉक्टर था। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी का इलाज पेशाब और गलाजत थी। इस बीमारी से मरने वालों को ताबूतों में रखकर उस पर सुर्ख रंग का क्रास बना दिया जाता था, ताकि लोगों को पता चल सके कि यह इंसान काली मौत से मरा है। ज्यादातर लोग 3 दिन के अंदर मर जाते थे, जबकि कुछ बीमारी लगने के 12 घंटों के अंदर मर जाते थे। बीमार लोगों को अलग थलग इलाकों और गढ़ों में रखा जाता था। काली मौत जरासीम के खिलाफ पहली जंग थी। काली मौत की वजह से यूरोप की 25 से 60% आबादी मर गई थी। कैथोलिक चर्च को भी काली मौत का जिम्मेदार समझा जाता था। काली मौत की वजह से पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो गई थी। इस बीमारी की वजह से अब भी हर साल कुछ लोग मर जाते हैं। काली मौत ने पेरिस की 50% आबादी, मिस्र की 40% आबादी और लंदन की 60% आबादी को खत्म कर दिया था। काली मौत के इलाज के लिए उस वक्त अरोमा थेरेपी बहुत मशहूर थी। उसमें जड़ी बूटियों के पौधे इस्तेमाल किए जाते थे। अल्लाह सबको इस गंदी बीमारी से बचाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।